हेलो एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. माई सेल्फ खुशबू सिंह. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो एलिगेंट स्टाइल में नौवारी साड़ी की ड्रिपिंग लाई हूँ. यहाँ पे जो आप ये साड़ी देख रहे हो, ये नौवारी यानी 9 मीटर की साड़ी है. और इसको पहनने के लिए ना पेटीकोट की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए आप शॉर्ट्स पहन सकते हो, लेगिंग्स पहन सकते हो, जो चाहो वो नीचे की साइड पे पैजामे की तरह पहन सकते हो. अब यहाँ पे क्योंकि इसकी ब्लाउज पीस भी अटैच्ड है तो ये 10 मीटर की साड़ी हो गई है. चलिए अपनी ड्रेपिंग हम शुरू करते हैं. बहुत आसानी से मैं आपको सिखाऊंगी. तो इसमें साड़ी का जो पल्लू वाला साइड है ना, वो हमारे पीछे की साइड से अपने राइट हैंड की तरफ कर देना है. और उसके बाद नॉन पल्लू वाला जो साइड है, वहाँ पे हमें नॉट बनाना है कमर के पास. दो टाइट नॉट बनाइएगा, बिल्कुल टाइट, क्योंकि पूरी ड्रेपिंग हमारे इस नॉट पर टिकने वाली है. अब पैरों के बीच से पीछे वाला जो ये बॉर्डर नीचे का दिख रहा है ना, इसको हमें उठाना है. और जब हम ये इसको लेंगे तो ये जो आप लेफ्ट लेग देख रहे हो ना, इस पे हमें ये फैब्रिक अच्छे से फोल्ड करना है. और उसके बाद ये फैब्रिक आएगी हमारे नीचे की साइड से टक होके. तो इसको बहुत अच्छे से अपने पैरों पे आपको रैप करना है. एंड देन जो फैब्रिक ऊपर की साइड पे निकल रही है ना, इसको हम यहीं पे सिक्योर कर देंगे. वैसे यहाँ पे एक प्लीट्स बना के हम इसमें फोल्ड करते हैं, लेकिन क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा मोटा है ना, तो अगर हम इसमें प्लीट्स बनाकर इसको फोल्ड करेंगे तो वो खुल जाएगा. तो इसीलिए हमें इसको सिर्फ मोड़ना है एंड देन पिन से सिक्योर कर देना है. अब हमें अपना पल्लू का साइड लेना है, रफली गैदर करना है और फिर पीछे की साइड से घुमा करके अपने लेफ्ट साइड के शोल्डर पर रख देना है. थोड़ा सा लंबा पल्लू लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसको सेट करेंगे ना तो इसका लेंथ थोड़ा सा खींचेगा. चलिए अब हमने एक क्लिप की हेल्प से इसको सिक्योर करके ना छोड़ देना है. अब सामने की तरफ जितना भी लंबा लेंथ आपके साड़ी का बच रहा है, सिंपली आप उसको प्लीट्स में बनाते चलिए. प्लीट्स जब आप बनाओगे तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़े चौड़े चौड़े प्लीट्स रहें, क्योंकि पतले प्लीट्स इकट्ठा होकर बहुत मोटा हो जाएगा. तो इसीलिए अब हमें अपने लेफ्ट के साइड पर ना थोड़ा सा कपड़ा ऐसे छोड़ना है, क्योंकि ये कपड़ा जो है हमारे प्लीट्स के ऊपर से ऐसे फोल्ड होगा. ठीक इस तरीके से हमें फोल्ड करना. और कमर का पार्ट जो है ना हमारा, उसको ध्यान देना है. कमर के साइड से ये चीज़ बिल्कुल फिटिंग आनी चाहिए. इसको बहुत अच्छे से इसमें रैप करना है. ये देखिए कमर वाला पार्ट आपका बिल्कुल शेप में आना चाहिए. इसको हल्का सा हम ना टाइट कर देंगे और फिर जितना भी प्लीट्स आपको दिख रहा है उसको हम अंदर की तरफ टक कर देंगे. वैसे ये प्रोसेस ना एक अलग तरीके से भी होती है, जिसमें हमें जो हमने अंदर की तरफ फैब्रिक फोल्ड किया था उसको हमें इसमें रैप करना रहता है. लेकिन क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा मोटा है, सिल्क का है, तो हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे. अब ये जो बॉर्डर है हमारा, इसको कमर पर हम बहुत अच्छे से सेट करेंगे. वैसे अभी यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा कि राइट लेग पे हमारा जो कपड़ा है वो थोड़ा ढीला दिख रहा है. तो ये देखिए यहाँ पे इसको हम ना दो प्लीट्स बनाकर यहाँ पे ऐसे घुमाकर सेट कर देंगे. चलिए यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत इजी था. अब हमें अपने पैरों को फैलाना है और फिर अपने प्लीट्स को काउंट करना है, कितने प्लीट्स हैं. तो यहाँ पर मेरे 14 प्लीट्स बने थे, तो 7 मैं कर दूंगी राइट की तरफ, 7 कर दूंगी लेफ्ट की तरफ. बीच में जो कपड़ा आ रहा है ना, उसको हमें इस तरीके से पीछे की तरफ निकालना है. अब यहाँ पे जो बॉर्डर हमारा उल्टा हो रहा है, ये होगा नॉर्मली है, जब हम इसको पीछे करेंगे ना तो ये थोड़ा सा घूम जाएगा, लेकिन हमें इसको थोड़ा ऐसे सीधा करना होगा और फिर पैरों के पास टाइट करते हुए हमें इसको खींचना है जब तक ये टाइट ना हो जाए. ये आप देख सकते हो पैरों के पास बहुत अच्छे से सेट हो रहा है. तो अब सिंपली हम इसको ना टक कर देंगे. बॉर्डर दोनों को हम आपस में मिलाएंगे ताकि सुंदर लगे पीछे की साइड से. ये हमारा कास्ठा होता है, तो ये कास्ठा बहुत सुंदर लगेगा अगर बॉर्डर आपस में जुड़े हुए रहेंगे. तो अब एक बार इसको हम ऐसे खींचते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर पैरों के पास ये जहाँ पे आ रहा ना, एक सेफ्टी पिन से दोनों पैरों पर हम इसको थोड़ा टाइट कर देंगे. चलिए अब हमारा लास्ट में बच गया है पल्लू वाला साइड. तो पल्लू का जो ये साइड है ना, वो कास्ठा के नीचे से होकर आता है. तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बॉर्डर हमारी ना मुड़े.
अब यहाँ से बॉर्डर को हमें बहुत अच्छे से सीधा करते हुए लाना है, और ये जो टाइट वाला पार्ट है बॉर्डर का, इसको हमें बिल्कुल ऐसे सामने की तरफ से लाकर कंधे पे एक क्लिप से अभी के लिए सिक्योर करना है। अब नीचे वाला जो बॉर्डर है ना हमारा, उसको हमें अपने घुटने में फंसाना है। ये आप देख रहे हो, मैंने अपना राइट लेग का जो घुटना है उसको मोड़ा हुआ है, और उसी में हमने इसे बॉर्डर को फंसाना है। अब इसमें हमें जैसे टाइट हो रही है उसी तरीके से प्लीट्स बैठाना है। इसमें पल्लू का जो नीचे वाला लेंथ होता है ना, कभी बराबर नहीं आएगा। अगर पल्लू बराबर होता है तो फिर आपने नौवारी साड़ी अच्छे से ड्रेप नहीं करी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने लंबा पल्लू का लेंथ क्यों छोड़ा था। तो एक बार जैसे ये कंधे पे आपकी आ जाए, फिर आप यहाँ पे पिन लगा दीजिएगा। तो ये मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। वैसे आप इसमें कंधे के पास ना अगर फ्रंट फ्लैट पल्लू लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको नहीं आता है नौवारी साड़ी पहनना, तो इसीलिए आपके लिए बहुत आसानी से मैंने इसको बताया है। अब आप इसमें कोई सी भी ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज पहन सकते हो ताकि इसकी लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए, एंड देन आपका ये नौवारी साड़ी का पहला स्टाइल रेडी है। तो देखा आपने कितना ईजी है, अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे ना, तो 9 मीटर क्या, 10 मीटर क्या, 12 मीटर की साड़ी भी बहुत अच्छे से पहन पाओगे। चलिए दूसरी स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें ना हमें नॉट बनाना है अपनी सेंटर पे, और अपने लेफ्ट लेग के पास थोड़ा सा कपड़ा हमें छोड़ देना है। तो पहले में हमने नॉट बनाया था अपने कमर पे राइट की तरफ, लेकिन इसमें बीच में बनेगी, तो इसको भी बिल्कुल टाइट आप बांधिएगा। और इसमें हमें थोड़ा सा कपड़ा अपने लेफ्ट साइड पे छोड़ना होगा। ये थोड़ा सा आप ना देखिएगा अपने हेल्थ के हिसाब से, मीन्स जितने में वो पैरों के पीछे जाकर पीछे की तरफ टक हो जाए, बस इतना लेंथ छोड़िएगा। अब इसमें भी हम पैरों के बीच में पीछे वाला जो बॉर्डर था उसको उठाकर सामने की तरफ टक करेंगे, एंड देन ये वाला लेंथ पीछे की तरफ चला जाएगा, और फिर जो बॉर्डर है ना इसको आगे की तरफ रखकर हम प्लीट्स बनाएंगे। चलिए बिल्कुल नॉर्मल प्लीट्स हमें बनाना है। फिर इन सभी को इकट्ठा करके केवल बॉर्डर को ऊपर रखना है, एंड देन पीछे की तरफ इसको टक कर देना है। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि दो सेफ्टी पिन लेनी है, एक बॉर्डर के पास लगाना है और एक पैरों के पास टाइट करते हुए लगाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगा दिया है और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब जो दूसरे साइड का जो बहुत लंबा कपड़ा बचा हुआ है ना, इसकी केवल पल्लू को हमें पैरों के पीछे लाना है, और फिर इस तरीके से सामने की तरफ ले आएंगे। फिर से वही करेंगे जो हमने स्टाइल वन में किया था, पल्लू के साथ पल्लू को थोड़ा लंबा रखकर वैसे ही छोड़ देंगे, और एक क्लिप लगाकर टेम्पररीली सिक्योर करेंगे। चलिए अब ये वाला जो ऊपर वाला बॉर्डर है ना, ये हमारा थोड़ा टाइट यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पैरों के बीच से गया है, तो जितना भी लेंथ है वो हम अब सामने की तरफ रखकर प्लीट्स बना देंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टाइल नंबर वन हो या स्टाइल नंबर टू हो, जब भी आप सेंटर प्लीट बना रहे हो उसकी डायरेक्शन हमेशा आपके राइट हैंड के तरफ होगा। चलिए इसको भी राइट हैंड की तरफ करके हम अपनी राइट लेग पे ही टक करेंगे। सेंटर पे टक मत कीजिएगा, राइट लेग पे ही टक कीजिएगा। अब आगे की स्टेप में ना हो सकता है लॉन्ग पल्लू आपको भी डिस्टर्ब करे, तो इसको पहले ही आप इस तरीके से ठिकाने लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती हूँ एक नई चीज़, ये है बटन पिन। अभी जो हम जिगजैग पैटर्न क्रिएट करेंगे ना, उसमें ये बटन पिन लगाएंगे। अभी तक मैं हमेशा आपको सेफ्टी पिन के साथ सिखाते जा रही थी, लेकिन सेफ्टी पिन से हो ये रहा था कि बहुत सारे अननेसेसरी होल्स क्रिएट हो रहे थे, तो अब हम ना सेफ्टी पिन के जगह ये बटन पिन ही लगाएंगे। चलिए अब सीखते हैं कि जिगजैग पैटर्न क्रिएट कैसे होता है। तो हमने जो प्लीट बनाया था उस प्लीट का सबसे ऊपर वाला लेयर हम पकड़ेंगे, उसको उठाएंगे, और यहाँ पे बॉर्डर को ना
बिल्कुल बेल टाइप का ऐसे बनाते हुए टक करेंगे। ये आपको टक करना है अपनी लेफ्ट लेग पे, सेंटर पे ये भी टक नहीं होता है। अब ऊपर से ना मैं यहाँ पे पिन लगाकर छोड़ देती हूँ, उसको मैं बाद में बहुत अच्छे से सिक्योर करूँगी। अभी सिर्फ हमें ये पैटर्न क्रिएट करना है। अब हमें नीचे की साइड से बॉर्डर को उठाना है एंड देन अंदर की तरफ मोड़ते हुए जहाँ पे हमने बेल बनाया है उसके नीचे, ये देखिए ये अंदर की तरफ गया, फोल्ड हुआ और फिर इसके कॉर्नर पे ये बटन पिन लग जाएगा। तो यहाँ से हमारा जिगजैग पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना है नीचे नीचे से, अब हमें ठीक वैसे ही थोड़े दूर दूर पे बॉर्डर उठाना है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर जो हमने बनाया है ऊपर की तरफ जिगजैग वाला पैटर्न उसी के कॉर्नर पे उसको इस तरीके से पिनअप कर देना है। सिंपल। अब नीचे की तरफ आप जितने दूर तक जाना चाहो जा सकते हो। वैसे ये पैटर्न ना कई लोग तो 3, 4, 5 बनाकर ही छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि फैब्रिक यहाँ पे मेरी आ रही थी तो मैंने बहुत नीचे तक बनाया है। चलिए अब मैंने पैटर्न क्रिएट कर दिया है, तो इसको परमानेंटली सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लेंथ देखकर अंदर की साइड से पिन लगा दूंगी। जो पिन मैंने ऊपर लगाया था ना सेफ्टी पिन, उसको अब अंदर की साइड से हम सिक्योर करेंगे। तो पूरी पैटर्न क्रिएट करने के बाद भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप इसको सेंटर पे रखना चाहते हो या साइड में रखना चाहते हो। तो मैं तो हमेशा इसको साइड पे ही रखती हूँ अपने लेफ्ट लेग पे, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पिन मैंने अंदर की साइड से लगा दिया है। अब इस स्टाइल में भी ना आपका जो कंधे वाला प्लीट है, जो पल्लू है, वो एंड में सेट होगा। तो इसमें जो साड़ी का ऊपर वाला बॉर्डर है, जो पीछे की तरफ हमने कास्टा टक किया है, वो उसके नीचे सिक्योर होगा। सिक्योर करने के लिए आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कीजिएगा, तो फिर बैठने उठते टाइम ये चीज़ निकलेगी नहीं। अब ये जो बॉर्डर है ना, सेम वही हमें करना है जो स्टाइल नंबर 1 में हमने किया था। इसमें भी पल्लू जो है ना वो बराबर कभी नहीं आता है, वो जिगजैग टाइप में ही उसकी एंड रहती है। अगेन वैसे ही करेंगे, अपने घुटने पे इसको हम फंसाएंगे एंड देन 1 by 1 करके प्लीट्स इकट्ठा करना शुरू करेंगे। बिल्कुल टाइट करते हुए हमें इसको कंधे पे ले जाना है एंड देन सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देना है। तो ये स्टाइल भी क्रिएट करना बहुत इजी था। इसमें अगर आप चाहते हो बिल्कुल मराठी ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना, तो आप केवल उनकी ज्वेलरीज वेयर कर लीजिए। जो नोज पिन आता है वो ज़रूर पहनिएगा, इससे बहुत अच्छा ट्रेडिशनल लुक आपको मिलेगा। तो ये नौवारी साड़ी हमारी जिगजैग पैटर्न में बनकर रेडी हो चुकी है। तो आपको आज की वीडियो के दोनों स्टाइल में कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी और वीडियो आप इन फ्यूचर चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।